सोयाबीन बहुत ही हेल्दी है, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनियस है और प्रोटीन डाइट के लिए सबसे सस्ती चीज़ है सोयाबीन। सोया चाप शादियों में मैंने बहुत लोगों को बहुत मस्ती से स्वाद ले ले के खाते हुए देखा है। मैंने सोचा आज सोया चाप की कोई एक नई रेसिपी डालते हैं, तो मैंने ये सोया चाप लिया है पाल फ्रेश का। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। ये मैंने अभी डीप फ्रीज़र से निकाला है, इसलिए मैं इसको थोड़े से गर्म पानी में डालूंगी ताकि इसके स्टेक्स आराम से बाहर निकल आएँ। इसमें डालती हूँ थोड़ा सा नमक भी डालिएगा। मैंने इसको 2-3 मिनट गर्म पानी में छोड़ दिया था, अब मैं इसको निकाल के ठंडा कर लूँगी। मैंने इसको इसलिए किया है ताकि इसके स्टिक्स आसानी से बाहर आ जाए। इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ये हमारे सोया चॉप सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें से धीरे से इसको पकड़कर इसकी ये स्टिक निकाल दें। ये लीजिए, इसी तरह से सभी स्टिक्स हाथ से दबाइए और ऐसे निकाल दें। ये आसानी से निकल जाएगा, ये कोई मेहनत का काम नहीं, ना कोई ट्रिक है। जैसे ही आप गर्म करेंगे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस, एक में 3 पीस करूंगी ताकि मैं इसको मैरिनेट कर सकूं। ये लास्ट पीस जहां से आपने स्टिक निकाली है उसको थोड़ा बड़ा रखिएगा, क्योंकि ये थोड़े से कट फट जाते हैं। लास्ट पीस को थोड़ा सा बड़ा रखिए। ये वैसे तो ऑलमोस्ट बराबर पीस आ रहे हैं। ये आप चाहे तो और भी पतले कर सकते हैं। इसको मैं हाथ से अलग कर लेती हूँ। इस तरह से पतला करना चाहें तो और पतला कर लीजिए, ये भी अच्छे लगेंगे। अब इसमें हम इसको मैरिनेट करने के लिए कुछ चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले डालते हैं ये है फिटी हुई दही। क्वांटिटी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको बार बार सुनना ना पड़े। आप उसको खोल के देख लीजिएगा और कितनी क्वांटिटी ली है मैंने और क्या डाला है और कितना डाला है, ये सब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कुटा हुआ, इसको भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक हमने पहले भी बॉईल करने में डाला है, इसलिए थोड़ा नमक उसमें होगा। नमक स्वाद अनुसार आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। और ये है तंदूरी मैरिनेट, ओरिका का मैंने यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी स्वाद अनुसार, आप तीखा खाना चाहते हैं, ज़्यादा मसाला खाते हैं तो उस तरह से डालिए। मैं ना ज़्यादा तीखा खाती हूँ ना ज़्यादा फीका, इसलिए मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। अच्छे से मसाले को मिला दीजिए।
बाकी सारे ही पीसेस जो हैं इस चाप के वो आराम से मसाले में निकल जाएं। लीजिए, मैंने इसको कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से बिल्कुल ढक कर कम से कम नहीं तो आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिए। लीजिए, आधे घंटे से कहीं ज़्यादा हो चुका है। चलिए अब इसको हम पैन में फ्राई करते हैं। मैंने ये रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हम सारे पीसेस इकट्ठे एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े कर कर करेंगे, अलग अलग करके। तेल गर्म हो गया है, मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है। कोशिश करिए कि इसको नॉनस्टिक पैन में ही डालिए। इसको हाई फ्लेम मत करिएगा, मीडियम लो पर इसको फ्राई करिएगा। देखिए, जब एक साइड थोड़ी लाल हो जाए तो तब इसको पलट दीजिएगा। देखने में ही कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये बिल्कुल नया तरीका है सोया चॉप को बनाने के लिए। आप मेहमानों के आगे इसको लच्छा पराठा के साथ पेश कर सकते हैं, एक साइड डिश की तरह। और चाहे तो इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ भी रिलिश कर सकते हैं। आजकल बारिश हो रही है, मौसम इतना शानदार है आज का, बस इसी तरह की कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा एक नया तरीका लगाते हैं और इसको इस तरह से बनाते हैं। आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। लीजिए, हमारे तंदूरी सोया चॉप बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसको थोड़ा और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो मैरिनेशन के टाइम या जब आप तलने लग जाएं, इसको फ्राई करने लग जाएं, तो उससे पहले थोड़ा सा चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें मिला लें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। दिख रहे हैं ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और ये डिश इस मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, जो बचे हुए पीसेस हैं उनको भी डाल देते हैं। आपने देखा मैंने कितना ऑयल डाला था और ज़रा सा ही ऑयल सोक किया है, इसलिए ये ज़्यादा ऑयल भी नहीं सोक करता। लीजिए, हमारा ये वाले नॉट भी बिल्कुल तैयार है। बस मुझे ये बताना है कि इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के, इस तरफ से भी घुमा के, हर तरफ से घुमा के आप इसको पका लें ताकि कोई वो कच्चा ना रह जाए। थोड़ा क्रिस्पी कर लें, थोड़ा लाल कर लें। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो थोड़ा और लाल कर लें। आपके बिल्कुल मुंह में जाते ही ये गले के नीचे उतर जाएगा, इतने सॉफ्ट हैं ये।
लीजिए। मैंने हर तरफ से घुमाकर इसको तल लिया है। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से मैंने शैलो फ्राई किया आप उसी तरह से शैलो फ्राई करें। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अब जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है, इसमें ऑयल इतना बच गया है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। बस बिल्कुल आधे चम्मच से भी कम मैंने ऑयल इसमें रखा है, बाकी सब ऑयल निकाल दिया है। ये मैंने कुछ शिमला मिर्च इस तरह से जूलियन इसके काट लिए हैं, और प्याज को लच्छों की तरह काटा है। शिमला मिर्च मेरे पास इतनी ही थी, आप चाहें तो शिमला मिर्च ज़्यादा लेके उसके चौड़े पीसेस भी काट सकते हैं। अब मैं इनको इसमें डाल के थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। ये प्याज की रिंग्स इस तरह से निकाल लीजिए, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, प्लेटिंग करने में आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए ये भी तैयार हो गए, अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। गैस को बंद कर देती हूँ और अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। मैंने फ्राई किए हुए सोया चॉप को बीच में लगा दिया है। अब इन रिंग्स और इस शिमला मिर्च से इसको चारों तरफ से सजा दीजिए। अब थोड़े से इनके ऊपर भी डाल दीजिए। मैंने तो इस तरह से प्लेटिंग की है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अपना स्टाइल लगा सकते हैं। पर ये प्याज के साथ बहुत ही इसका स्वाद बिल्कुल दुगना हो जाएगा। पेश करिए मेहमानों के आगे लच्छा पराठा के साथ, या केवल चाय या कॉफ़ी के साथ पेश करिए, आपकी तारीफों के पुल बांध देंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विक एंड हेल्दी रेसिपी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डालना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। बाय बाय।